नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा से आ रही है। यहां एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल बस में आग लगने की वजह से 22 यात्री झुलस गए हैं और 2 की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कटरा से सामने आ रही है। इंजन में आग लगना इसकी वजह बताया जा रहा है। जिस तरीके से आग लगी है, वैष्णो देवी मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आप हमारी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से पूरी तरह से जो बस है पूरी तरह से झुलस गई है। आग की चपेट में आग की लपटें उठती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बस पूरी तरह से चौपट हो गई है, जलकर राख हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा रही, कटरा से जम्मू कश्मीर जा रही थी ये बस, जिस दौरान आग लगी। तीर्थ यात्री को जम्मू जा रही थी, जिस टाइम पे आग लगी है, तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी ये बस, जिस दौरान आग लगी है। तमाम रूप से इसमें 2 लोगों की मौत की और 22 यात्रियों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। वहीं अगर बात की जाए आग लगने की वजह, तो इंजन में आग लगी जिसके बाद ये आग पूरी तरह से फैल गई। किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है और किस इस पर इसको लेके तमाम रूप से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो इस हादसे में घायल है उनको फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। और जो आशंका जताई जा रही है कि बस में वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी मौजूद थे। तमाम रूप से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें तमाम रूप से किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरह से बस चौपट हो गई है, पूरी तरह से आग की लपटें उड़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से बस जलकर राख हो गई है। बस के आगे वाले के दरवाजे को देख, आगे वाली सीट को देख सकते हैं आप, जहां पे ड्राइवर की सीट है, किस तरीके से वो पूरी तरह से जलकर एकदम पूरी तरह से राख हो गई है। आसपास अफरा तफरी मची हुई है, किस तरीके से लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं, किस तरीके से आग कितनी तेजी से फैल रही है। आग की लपटों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना जो हो गई है। तमाम रूप से इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है, इसको लेकर एडीजीपी जम्मू ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि कटरा से जम्मू के रास्ते एक स्थानीय बस जिसका नंबर JK 14/1831 बताया जा रहा है, जिसमें कि कटरा से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहुंची थी, उसमें आग लग गई। जो ये पूरा जो हादसा है वो जो मार्ग की तरफ बताया जा रहा है, खरमल मार्ग की तरफ बताया जा रहा है। एक कटरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो खरमल मार्ग है वहां पर ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। उसमें इस दौरान बस में अभी जो कारण जो सामने आए हैं इसको लेकर अभी और कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं MSFL की टीम भी मौके पर तैनात है और 22 घायलों को इलाज के लिए कटरा ले जाया गया है। घायलों में कई लोगों को विशेष उपचार के लिए रेफर किया गया है। किस तरीके से पूरी घटना सामने आई है कि पूरी तरीके से जो पूरा मामला सामने आया उसको लेकर ADGP की तरफ से ट्वीट किया गया है। वही प्रत्यक्षदर्शियों ने इसको लेकर तमाम रूप से जो बताया है, जो वहां पर स्पॉट पर जो मौजूद थे उन लोगों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है, उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी कि आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को बचने तक का मौका नहीं मिला। किसी तरह सभी यात्री बस से बाहर निकल पाए, इसके बावजूद भी जो यात्री रह गए, 2 यात्री वो जलकर उनकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि जब तक मौके पर राहत बचाव दल पहुंचता, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। तो किस तरीके से भीषण हादसा देखने को मिला, किस तरीके से जब तक मदद पहुंच पाती तब तक उस बस में जो मौजूद थे 2 यात्री, उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभी लगातार और मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। अभी फिलहाल जानकारी खबर मिलने तक 2 जो है यात्रियों की मौत का भी आंकड़ा सामने आया है। फिलहाल अभी इसको लेकर अभी और आंकड़े भी सामने आने बाकी हैं कि इस दौरान कितने लोग और थे जो इसमें जिनकी मौत हुई है। तमाम रूप से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा था। पूरी तरीके से बस चौपट हो चुकी है, पूरी तरीके से जो बस है आप देख सकते हैं जलकर एकदम राख हो गई है। चारों तरफ का मंजर आप देख सकते हैं कितना दर्दनाक मंजर है। राहगीर देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। Thank you.
बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।